देशभर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राहुल गांधी ने देशवासियों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। कश्मीर में ईद की नमाज के बाद भड़की हिंसा, एक पत्थरबाज की मौत, 6 सुरक्षा कर्मियों समेत 15 लोग हुए जख्मी। उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी, आंसू गैस, मिर्ची बम और पैलेट गन का भी सहारा लेना पड़ा। ईद के मौके पर पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, पाक गोलीबारी में एक जवान शहीद। अटारनी बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजरों को नहीं बांटी ईद की मिठाई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रविवार को होगा सीज फायर पर फैसला। शहीद जवान औरंगजेब के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। पिता ने कहा फौजी मारता है या मरता है। लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील भी की। शहीद के छोटे भाई ने भी सेना ज्वाइन करने को कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके 3 कैबिनेट सहयोगियों का धरना छठवें दिन भी जारी। मेडिकल चेकअप में भूख हड़ताल के बाद भी मंत्री सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ा। सोशल मीडिया पे लोगों ने उड़ाया मजाक। ट्रेड वॉर में अमेरिका को भारत ने दिया करारा जवाब। 30 प्रोडक्ट्स पे बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। 800 सीसी से ज्यादा बाइक्स पर 50% ड्यूटी लगेगी। बादाम पर 20%, मूंगफली पर 20% और सेबों पर 25% ड्यूटी चार्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में ईद के मौके पर एक ही मंच पर नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ हैट्रिक के साथ रोनाल्डो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। 4 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के 4th फुटबॉलर भी बने। उनसे पहले ब्राजील के पेले, जर्मनी के यूबी सिलेर और मिरोस्लाव क्लोजे यह कारनामा कर चुके हैं। फीफा विश्व कप के पहले मैच में रूस के हाथों बुरी तरीके से मात खाने वाले सऊदी अरब के कुछ खिलाड़ियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। कोच जुआन एंटोनियो पिज्जी भी हो सकते हैं बर्खास्त। ब्रिटेन हाई कोर्ट से विजय माल्या को तगड़ा झटका। अदालत ने माल्या पर भारतीय बैंकों को हर्जाना देने का आदेश दिया। भारत से भगोड़ा घोषित हो चुके हैं माल्या। भारतीय खुफिया एजेंसी ने कश्मीर में 450 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका जताई। रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 450 आतंकियों को POK के लॉन्च पैड पर इकट्ठा किया है।